हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। मैं बबलू कुमार, आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ गौरी बाज़ार। देख सकते हैं गौरी बाज़ार का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर दुर्गा पूजा के लिए बहुत भव्य पंडाल बन रहा है। तो वही हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो लगभग 8-9 लाख की लागत से बन रहा है। माँ मैहर देवी का पूरा जैसे यहाँ पर बन रहा है, पहाड़ भी सब कुछ बनाया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो वीडियो पर आप लोग लगातार लास्ट तक बने रहिएगा। जो भाई लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई, कैमरा स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह है पंडाल का मेन गेट और लगभग 10 लाख की लागत से बना के तैयार होने वाला है। तो चलिए आप लोगों को अंदर ले कर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है। अभी इसका निर्माण चालू है। माँ मैहर देवी का पूरा बनेगा सीन यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी निर्माण चालू है। यहाँ पे जो कारीगर हैं, कलकत्ता से मंगाए गए हैं, भाई लोग आए हैं इतना दूर से बनाने के लिए। तो आप लोग से निवेदन है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएँ और दशहरा में दुर्गा पूजा का आनंद उठाएं। तो देख सकते हैं इधर से होके और वो सामने देख सकते हैं, वहीं पर दुर्गा जी का मूर्ति रहेगा, मैहर देवी का। तो ऐसे ही घूम के जाना पड़ेगा, वैसे वैसे आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो चलिए वहाँ पे भी चल के दिखाएंगे आप लोगों को कितना हाइट है। और यहाँ पे दुर्गा जी का मूर्ति रखा जाएगा और पीछे जो आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन। आइए किसी से पूछते हैं पंडाल के बारे में। चलिए ऊपर चलिए, ऊपर चलिए बताएंगे। तो चलिए चलिए भाई साहब बताएंगे, चलते हैं आप लोगों को। सीढ़ी आपका स्टार्ट है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट है और इतना हाइट पे चढ़ के जाएंगे। और देख सकते हैं बल्ली और पटरा के सहारे से बनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी मजबूत बल्ली और पटरा लगा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक नज़र इधर भी देख लीजिए, बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है अंग्रेजों के ज़माने का। और यहाँ पे पहले मछली का बाज़ार लगता था, अभी इस समय नहीं लग रहा है। और ये देख सकते हैं ये स्थान जो है माँ मैहर देवी का स्थान है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। अगले साल आप देखे ही होंगे कि अगले साल बहुत अच्छा माँ वैष्णो देवी का गुफा बनाए थे हम। और इस साल अगले साल ही मतलब मैक में लॉन्च कर दिया गया था कि माँ मैहर देवी अगले साल बैठाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लगभग हमको लग रहा है आज 30 दिन हो गया काम करते हुए। बच्चे सब मेहनत भी कर रहे हैं सब, और कुछ कारीगर भी बुलाए हैं हम। तो कारीगर कहाँ से बुलाए आप? कारीगर आपका वो क्या बोला जाता है, वहाँ से आए सब, कलकत्ता से। अच्छा, लगभग कितना लागत लगी? लगभग हमको लग रहा है अभी तक तो 3 के ऊपर पहुंच गया है अभी पूरा। अभी आप देख रहे हैं अभी आधा अधूरा काम चल रहा है, तो लगभग हमको लग रहा है 8-9 के बीच में पहुंचेगा ये पूरा कार्यक्रम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रत्नाकर सिंह है, मैं गौरी बाज़ार टाउन का सभासद हूँ, राम जानकी कॉलोनी। तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं? पैसे की व्यवस्था ये सब अपने पास से ही कर रहे हैं हम, और थोड़ा बहुत चंदा वगैरह मिल जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो सारा सिस्टम अपने पास से ही लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और हम और यहाँ से देखिए अभी नज़ारा रेलवे स्टेशन का, और यहाँ से दिखाते हैं पंडाल किस तरह से दिखाई देगा जब ऊपर से हम लोग और देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। और ये सब भाई लोग जो आप दिखाई दे रहे हैं सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, बनाने में सहायता कर रहे हैं ये लोग। और इधर से आना है और यहाँ से दर्शन करके
वापस चला अभी नीचे भी मूर्ति है सर लाइन से हाँ नीचे तो होती है अभी ये काम आधा अधूरा है अभी पूरा नहीं हुआ है काम पूरा हो जाता है तो एक बार और वीडियो इसका डालेंगे तो आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और यहाँ तक पहुँचे दर्शन करने के लिए माँ मैयर देवी और ये गौरी बाज़ार में सबसे ज़्यादा लागत से बनाया जाने वाला पंडाल है वैष्णो देवी का फिर पंडाल है और यहाँ पे माता वैष्णो देवी का पंडाल लगाया जाएगा वहाँ पे भैरव बाबा का है और यहाँ पे विराजमान होंगे भैरव बाबा भोलेनाथ और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का पंडाल लगेगा और यहाँ पे हनुमान जी रहेंगे बहुत अद्भुत पंडाल होने वाला है दोस्तों और ये हमारी मंदिर है और ये शंकर भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है बहुत प्राचीन है बरगद का पेड़ है पीपल का आप देख सकते हैं और देखिए नंदी बाबा बैठे हैं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और यहाँ पे गणेश भगवान जी विराजमान होंगे लड्डू देंगे यहाँ पे लड्डू मिलेगा प्रसाद मिलेगा और ये गिफ्ट पॉइंट है ये बाहर निकलने का रास्ता है ये दोस्तों बाहर निकलने का रास्ता आप लोग देख सकते हैं और कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से एक बार इसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देंगे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की लागत से गौरी बाजार में सबसे महंगा पंडाल बनाया जा रहा है ऐसे में इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं क्या मजबूती है किस तरह से मजबूती इसकी की जा रही है और पब्लिक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं आप सामने देख सकते हैं बहुत ही मुस्तैद तरीके से इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है और यहाँ से लोग बढ़ते हुए इस स्ट्रक्चर पे जाएंगे और यहाँ पर वो मूर्ति रखी जाएगी और यहाँ पर पब्लिक उस मूर्ति का दर्शन करेगी तो अब ये स्ट्रक्चर के नीचे का ये मजबूती का आपको हमें दिखा रहा हूँ किस तरह से इसको बनाया जा रहा है यहाँ से वहाँ तक बांस बल्ली के सहारे इसको रोका गया है और आने वाले टाइम में इसको किस तरह से और मजबूती देते हैं क्योंकि सुरक्षा भी एक बड़ा महत्व है यहाँ पर 30 फुट की हाइट पे इसको बनाया जा रहा है तो इस तरह से अभी ये पंडाल बनता नज़र आ रहा है और पीछे आप देख सकते हैं गौरी बाजार का रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन का ये आप देख सकते हैं और रेलवे स्टेशन का ही ये प्रांगण है जिसमें ये पंडाल को भव्य तरीके से बनाया जा रहा है तो इस तरह से यहाँ का पंडाल आने वाले टाइम में बहुत ही लागत से बन रहा है तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस पंडाल को ज़रूर विजिट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें तो दर्शक भाई लोग अभी जो वीडियो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा तो ये भाई लोग का बहुत मेहनत लगा है तो कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइएगा और ये जब पंडाल पूर्णतया तैयार हो जाता है तो फिर से एक बार हम लोग वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय माता दी जय माता एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।